हाय दोस्तों, जोहार, नमस्ते। आप देख रहे जीवन का विलेज नेचर ब्लॉग में और मैं जीवन का आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं अपने खेतों की ओर आया हूं अपना बीड़ा खेत को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे खेत में एक भी पानी नहीं है। और दोस्तों ये वाला बीड़ा खेत में भी आप लोग देख रहे हैं, बीड़ा खेत में भी पानी नहीं है। ये वाला दोस्तों हम लोग का बीड़ा है। तो दोस्तों मतलब हम लोग का खेत में केवल पानी नहीं है, पूरा मतलब सब तरफ पानी नहीं है, देख सकते हैं पूरा उधर दिखे किधर भी पानी नहीं है, सब तरफ सूखा ही पड़ा हुआ है। दोस्तों ठीक से तो बारिश ही नहीं हो रहा है, तो खेतों में पानी कहाँ से जमा हो पाएगा। सभी भी परेशान है, बारिश नहीं हो रहा है तो कब बारिश होगा और अपने खेतों में कब पानी जमा होगा। फिर और मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये वाला ना दोस्तों मेरे बड़े पापा लोग का है, इसमें भी देखिए इसमें भी पानी नहीं है। दोस्तों मेरे ख्याल से तो लग रहा है कि 2022 में सूखाग्रस्त होने वाला है, अकाल होने वाला है, इसी वजह से दोस्तों बारिश नहीं हो पा रहा है। इससे ज़्यादा तो मैं क्या चीज़ बताऊंगा आप लोग और क्या चीज़ बोलूंगा मैं। सभी को बोल रहे हैं कि इस बार मतलब सूखाग्रस्त होने वाला है दोस्तों, तो सभी कोई परेशान है दोस्तों। तो ऐसे में जब बारिश नहीं होगी तो बीड़ा भी बनते जा रहा है, तैयार होते जा रहा है, तो बारिश नहीं होगी तो रोपा कैसे रोपेंगे दोस्तों। जब बीड़ा तैयार हो जाएगा दोस्तों फिर बारिश नहीं होगा तो रोपा भी नहीं रो पाएगा, बस ऐसे ही रह जाएगा, बीड़ा भी बुढ़ा जाएगा दोस्तों। इसी वजह से हम लोग दुआ करते हैं दोस्तों कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों खेत की और भी आदमी लोग आए हुए हैं, मेरे से कुछ ही दूरी में एक मेरा ही गांव वाला आया हुआ है पेड़ छीलने के लिए, तो उनको भी मैं दिखलाता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए किस तरह से वो काम कर रहा है। तो मैं पहुंच ही गया हूं उनके पास में। देखिए दोस्तों मेड़ को मतलब जो मेड़ है ना, तो किनारे किनारे छीलने का काम कर रहा है। और भी उधर मेरे गांव वाले हैं, देखिए इनका खेत में भी पानी नहीं है दोस्तों, ये भी परेशान है। सभी को परेशान है दोस्तों, हम केवल परेशान नहीं हैं, पूरे इधर मेरे गाँव के आस पास के पूरे परेशान हैं। सभी को मतलब बोल रहे हैं कि बारिश कब होगी, लेकिन बारिश ही नहीं हो पा रही दोस्तों। तो दोस्तों इनसे तो मैं आप लोगों को मिलवा दिया, फिर और भी मेरे गांव वाले आए हैं, तो वे लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं उनके पास अभी जा रहा हूँ, मतलब जूभी खेत होते होते जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जूभी खेत में तो पानी है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जिसका जिसका जूभी खेत है ना, और लोग तो रोपा भी रोप रहे हैं, तो चलिए मैं जूभी खेतों में होते हुए जा रहा हूँ, जूभी खेत में भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं जूभी खेत के पास में पहुँच चुका हूँ, देखिए इसमें तो पानी है और हम लोग का खेत उधर है दोस्तों, उधर देखिए उधर उधर तो पानी नहीं है, ये वाला जूभी खेत है। तो इसमें से मैं अभी जाऊंगा वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ दिख रहे ना बैठे हुए हैं, तो वहीं पर मैं अभी जाने वाला हूँ। चप्पल को पकड़ा हूँ हाथों में। तो दोस्तों ये सब दिख रहा है ना, ये सब जूभी खेत है, ये सब में तो रोपा रोपा गया है, फिर वो साइड भी रोपा रोपा रहा है दोस्तों। मतलब इधर जूभी खेत टाइप से है ना दोस्तों, इसलिए इधर दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो भी से रोपा जाता है। तो दोस्तों मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं, देखिए मेरे भैया लोग हैं और यार लोग हैं, तो शायद ये लोग बीड़ा उखड़ाने का काम कर रहे थे, बीड़ा उखड़ाने का काम कर रहे थे दोस्तों, फिर ये लोग थक चुके फिर बैठे हुए हैं। और उधर दिख रहा ना दोस्तों, उधर रोपा रोप रहे हैं। तो दोस्तों आराम करने के बाद ये लोग अभी बीड़ा उखड़ा रहे दोबारा फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर तो काम चल रहा है और इन लोगों से मैं मिल के जा रहा हूँ अभी, ये लोग तो काम कर रहे हैं, फिर इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं। और अभी यहाँ से जा रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर अभी जाऊँगा, वहाँ का भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखला देता हूँ, आप लोग देखिए। तो देखिए दोस्तों किस तरह से रोपा रोपा जा रहा है,
एकासे पच्चो सही पच्चो मेरी भाभी बोल रही है कि रोपा रोपने के लिए आओ राबेश नसगो इदिन मुंजत के शादी मारन दे दिया गया दिन भी जा नेला मारन ती झारोट बैठ के रखे नेला रन्न मोनन सा सही नु मारे में जा अरे होले न फोकारन खालोन अंती आगे में जा चला बरा आदन और घर स्थिति। दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया आप लोगों को रोपा किस तरह से रोपा जा रहा है और वहाँ पे बीड़ा किस तरह से उखड़ाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ से मुझे जाना होगा अपने खेतों की ओर में, क्योंकि इधर आने का मेरा इरादा नहीं था। तो मेरा यार और मेरे बड़े भैया लोग थे, उन लोग मुझे बुलाए तो मैं आया था यहाँ पर। जो भी खेत में होकर जाना पड़ रहा है दोस्तों, मतलब यहाँ से लेकर दोस्तों पूरा वहाँ तक हम लोगों का परिवार वालों का खेत है। बादल तो बस गरजता है दोस्तों, लेकिन बारिश नहीं होता है। अभी भी गरज रहा है, मौसम भी बनाया हुआ है बारिश होने टाइप से, लेकिन बारिश नहीं हो पा रहा है दोस्तों। बारिश होगी तो सब किसान भाइयों को थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बारिश भी नहीं हो रहा है, सब कोई बहुत परेशान में है दोस्तों। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं था दोस्तों, लेकिन मैं इधर आया अपनी खेतों की और बीड़ा खेत को देखने के लिए, तो एक भी पानी नहीं है, तो मैं सोचा कि वीडियो बना ही लेता हूँ, आप लोगों तक मतलब शेयर हो जाएगा, आप लोग भी देखिएगा कि हम लोग तरफ किस हालात में हम लोग हैं, कितना परेशान हैं हम लोग। इसी कारण से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों, पूरा सब सूखा सूखा है। तो बारिश नहीं होगा दोस्तों तो कैसे होगा। आज 29 तारीख है दोस्तों, तो 29 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और कल परसों से तो अगस्त महीना चढ़ जाएगा। हम लोग तरफ तो पहले रोपा रोपने के लिए 15 जुलाई से ही मतलब स्टार्ट हो जाता था, 15 जुलाई से मतलब शुरू होता था रोपा रोपने के लिए, फिर 15 अगस्त 16 अगस्त पहुँचते पहुँचते सबों का ख़त्म हो जाता था रोपने के लिए। इस बार तो बारिश भी नहीं हो रहा, लगता है कि सूखाग्रस्त होने वाला है इस बार। इतने दिनों के बाद दोस्तों इस बार 2022 में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मेरे गांव के बुज़ुर्ग लोग बताते हैं, पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, वो पहाड़ दिख रहा है तो उधर से मतलब बारिश शुरू होता था तो बहुत बारिश होता था, लेकिन इस बार दोस्तों वो साइड से बारिश नहीं हो रहा है, इसी वजह से बारिश नहीं हो पा रहा है, ऐसे बताते हैं बुज़ुर्ग लोग। आजकल ना दोस्तों इधर पूरब साइड से बारिश हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं मेरे पिताजी लोग और बुज़ुर्ग लोग, लेकिन इस बार पता नहीं इस बार क्या हो गया। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाया अपने खेतों का नज़ारा और बतलाया कि खेत में बारिश नहीं होने के वजह से पानी नहीं है, और आप लोगों को दिखाया कि जो भी खेत है जिस साइड में है ना दोस्तों, उधर रोपा रोप रहे हैं बोलकर मैंने दिखाया आप लोगों को और बतलाया। तो अभी शाम के 5 बजने जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। और दोस्तों आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो बनता है, लाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि बस ये देहात का केवल सीन दिखाता है, तो दोस्तों मैं देहात में रहता हूँ इसलिए मैं देहात का ही सीन दिखाता हूँ, गाँव में किस तरह का मतलब होता है, काम धाम किस तरह से होता है, उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा कि नहीं आता है दोस्तों, मैं तो बता नहीं सकता हूं। तब कुछ बहुत मुझसे गलती भी हो जाती होगी दोस्तों, आप लोग दिमाग में मत लीजिएगा, बोलने में या तो कोई भी चीज़ मैं बतलाता हूँ तो कोई मिस्टेक हो जाता होगा मुझसे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो आप लोग देखिएगा। तो आज का वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पर अंत करेंगे, बाय।